दिल्ली में शराब घोटाले के अलावा दिल्ली जल बोर्ड में भी कथित घोटाले को लेकर हंगामा मचा हुआ है। बीजेपी लगातार जल बोर्ड में घोटाले का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी को घेर रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड में घोटाले हुए हैं। उन्होंने कहा है कि 2017 से जल बोर्ड का ऑडिट नहीं हुआ है और 2021 में आम आदमी पार्टी जल बोर्ड का बिल भी नहीं बना पाए। आम आदमी पार्टी सिर्फ दिल्ली की जनता को लूटने का काम कर रही है। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि अरविंद केजरीवाल सत्ता में आने से पहले कहते थे कि सभी टैंकर माफियाओं को खत्म कर देंगे, लेकिन अब तक उन्हें टैंकर माफिया से कमीशन लेते हैं। एक बात बार बार कहते आ रहे हैं और आज भी कह रहे हैं, दिल्ली जल बोर्ड का घोटाला शराब घोटाले से बड़ा घोटाला है। और जितनी बार हमने ये बात कही, आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट नेता इससे बचने का रास्ता ढूंढते रहे। आज जो मैं बात कह रहा हूं वो तथ्यों पे आधारित बात आपसे कर रहा हूं। 2013-14 तक जल बोर्ड फायदे का सौदा था और उसके बाद इसमें खेल शुरू हुआ। दिल्ली सरकार के वित्त विभाग ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है, एफिडेविट देके बताया है कि गत 9 सालों में 28,400 करोड़ रुपए का जल बोर्ड में गबन हुआ है। ये दिल्ली का वित्त विभाग बोल रहा है, ऑन पेपर बोल रहा है कि 28,400 करोड़ का गबन हुआ है। यह वो पैसा है जिसके खर्च का कोई हिसाब नहीं है। और जो न्यायालय को जानकारी दी गई है कि इसके अलावा 73,000 करोड़ का लोन है। कौन चुकाएगा वो लोन? अरविंद केजरीवाल तो देंगे नहीं, जेल में है, कौन देगा वो लोन? उसकी वसूली के लिए दिल्ली की जनता को कैसे ठगा जाए उसका भी चार्ट दिखाता हूं जो उन्होंने तैयार किया है। दिल्ली सरकार की मंत्री खुद कोर्ट गई हैं दिल्ली जल बोर्ड को लेकर कि हमको पैसा नहीं दिया जा रहा। दिल्ली सरकार की मंत्री को इतना ज्ञान होना चाहिए कि सरकारी विभाग लॉ और रूल से काम करते हैं। ऑडिटेड एलोकेशन फंड और सैंक्शन फंड में फर्क होता है। उन्होंने बयान दिया कि इतना करोड़ रुपए एलोकेशन में जो हमको दिया गया है, ये पैसा हमको पूरा पैसा नहीं मिल रहा है, जबकि नियम ये है कि जितना पैसा एलोकेट हुआ है, आप जितना खर्च करते हैं उतना पैसा आपको दिया जाता है, जो पैसा बच जाता है वो लैप्स हो जाता है। लेकिन इनको ये बात समझ में नहीं आती। और अगली किस्त जब मिलती है, जब आप पिछली किस्त का ऑडिट जमा कराते हैं, भाई ये हमने खर्च किया है, ये उसकी ऑडिट रिपोर्ट है, लाइए अब हमको पैसा दीजिए। लेकिन पिछला ऑडिट 2016-17 से आज तक ऑडिट नहीं हुआ है। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।